जून 2013 में भगवान शिव के भक्त अपने आराधना के दर्शन के लिए केदारनाथ गए हुए थे। शिव जी की भक्ति में लीन भक्तों को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि केदारी घाटी में उनका सामना साक्षात मौत से होगा। 16 जून की रात आई भयानक तबाही ने करीब 5000 लोगों को अपना निवाला बना लिया था। तभी उस मंजर में लोग असहाय थे, मजबूर थे, बिलक रहे थे, लेकिन मौत अपना तांडव मचा रही थी। कई गांव इस प्रलय में खत्म हो गए हैं, हजारों लोग अपने परिवार से हमेशा के लिए दूर हो चुके हैं। केदारनाथ में आई तबाही के 9 साल बाद आज भी उस प्रलय की तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देती हैं। आज फिर वही मंजर हमें देखने को मिल रहा है। शायद भगवान शिव जी की नाराजगी अब तक खत्म नहीं हुई है। आज उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर के टूटने की वजह से तेज पानी के बहाव के कारण अलकनंद और धौल गंगा में भाव उफान पर है। पानी के तेज बहाव के मद्देनजर कृति नगर देव प्रयाग मुनि के रेती इलाकों को हाई अलर्ट पर रखने को कहा गया है। पानी के इस तेज बहाव में कई घर बहने की आशंका भी जताई जा रही है। चमोली जिले में कई ग्राम के निवासियों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाने की अपील भी की जा रही है और जानकारी ये भी मिल रही है कि पानी के बहाव में कई घरों के बहने की आशंका भी जताई जा रही है। चमोली के आसपास के इलाके खाली कराए जा रहे हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत घटनास्थल पर मौजूद हो चुके हैं। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि अब तक हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2 पुल के बहने की खबर सामने आई है। नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। मौत होने की भी आशंका यहां पर जताई जा रही है, लेकिन अभी स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि घटनास्थल पर एनडीआरएफ की टीम और जिला प्रशासन की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। चमोली के डीएम द्वारा धौल गंगा नदी के किनारे स्थित कई गांव को खाली कराने के आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम द्वारा जोशीमठ इलाके में रेनी गांव में पहुंचकर बचाव का कार्य किया जा रहा है।